तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम। तो आज की नॉर्मल बातचीत हम करने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया पे, यानी कि भारत में चुनाव होता किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश भारत संविधान पर चलता है जो कि फेडरलिज्म पे आधारित है, जिसमें हमारे पास दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो सभाएं मिलकर काम करती हैं, जिसमें पहली होती है राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरी होती है लोकसभा जिसे अंग्रेजी में लोअर हाउस कहा जाता है। इन दो सभाओं से मिलकर कानून बनाए जाते हैं और यहाँ से कानून जाता है राष्ट्रपति के पास और वहाँ से मंजूरी लेने के बाद देश में लागू कर दिया जाता है। राज्यसभा में मैक्सिमम दोस्तों 250 मेंबर होते हैं, जबकि अभी फिलहाल 245 हैं, और लोकसभा में होते हैं मैक्सिमम मेंबर 552 और अभी फिलहाल हैं 545। तो ये दोनों सभा जितने भी नियम कानून बनाती हैं, कोई भी लॉ लेके आती है, कोई भी रेगुलेशंस प्रोसीड करती हैं, वो सभी सारे कार्य जो होते हैं वो सारे ही कार्य ये करते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जिसे हम संसद भवन भी कहते हैं। यहाँ पर ये लोग मिलकर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग को बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति के बुलाने पर जब ये मीटिंग को शुरू किया जाता है तो यहाँ पर कई गहरे मुद्दे देश के डिस्कस किए जाते हैं और नए लॉ भी पास किए जाते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते अब यहाँ से, और हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि इलेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कुछ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है लोकसभा इलेक्शन, दूसरा होता है राज्यसभा इलेक्शन, और तीसरा होता है विधानसभा इलेक्शन, जिसको स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी कहा जाता है। वन बाय वन तीनों को समझते हुए चलते हैं, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ये चुनाव जो लोकसभा इलेक्शंस के होते हैं ये हर 5 सालों में करवाए जाते हैं, और इसमें चुनाव लोगों द्वारा ही होता है, यानी कि भारत की जनता चुनती है। 545 सीट में से 543 पर चुनाव होता है, जिसमें 2 सीट जो होती है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत में हर जगह से चुनाव कराए जाते हैं और 50% से ज़्यादा जो पार्टी वोट्स लेकर आती है, यानी कि वो पार्टी ही जीतती है पहली बात तो, और उस पार्टी का जो मुखिया होगा वही प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जो चुनाव प्रोसेस करवाया जाता है उसे लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है राज्यसभा इलेक्शन, ये हर 2 साल में 1/3 सीट्स पर किया जाता है, और टोटल 250 सीटों में से सिर्फ 238 पर ही चुनाव होता है, और बची हुई 12 सीट्स को राष्ट्रपति चुनते हैं। इससे जो चुनकर आते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड होता है। हर एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इसके बाद हम जाते हैं तीसरे चुनाव की ओर, जो कि मुख्य हमको जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिन्हें हम स्टेट असेंबली इलेक्शन या फिर विधानसभा चुनाव कह सकते हैं। जाहिर सी बात है इसमें भी भारत के नागरिक ही वोट करते हैं, और हर राज्य में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी कि विधानसभा होती है, और विधानसभा के अंदर पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स बनाई जाती हैं कि इतनी सीट्स यहाँ होनी चाहिए और इतनी सीट्स यहाँ होनी चाहिए, यानी राज्य में कितनी जनसंख्या है और उसके पर्टिकुलर एरियाज़ में कितनी कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर सीट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ओवरऑल सीट्स पे जो पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लेकर आती है वो पार्टी विजेता पार्टी होती है, और उस पार्टी का जो लीडर होता है, मुखिया होता है, वो बनता है स्टेट का चीफ मिनिस्टर। और जब बात दोस्तों चुनाव की चल ही रही है तो एक बात और क्लियर कर देते हैं, हमने बहुत बार सुना है कि बहुत सी पार्टियाँ पूर्ण बहुमत से जीती हुई है, तो पूर्ण बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि 100% वोट लेके आई। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि टोटल सीट्स में से 50% से ज़्यादा सीट्स पर जीत हासिल करके जो पार्टी आती है उसी पार्टी को हम लोग कहते हैं पूर्ण बहुमत से जीती हुई पार्टी। अब दोस्तों आप ये तो जान चुके हैं कि चुनाव होते कितने प्रकार के हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी को पता होना चाहिए कि चुनाव में वोट किस बिहाफ पर दिया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और हम में से आधे लोग तो बस किसी भी चीज़ को वोट दे के आ जाते हैं। तो होता यह है कि आपको अपने एरिया में जो कैंडिडेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले, तो वो किस पार्टी से है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पर्सनली कैसा है, उसने क्या काम किया है, क्या काम कर चुका है पिछले, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने एरिया के कैंडिडेट को भी जानिए, और आपको क्या लगता है कि क्या वो कैंडिडेट अगर आपके एरिया का लीडर बन जाता है तो क्या वो कुछ करेगा, और क्या उसने पिछले रिकॉर्ड में कोई विकास की जैसी कुछ कार्य करे भी हैं या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए चुनाव में वोट देने से पहले। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ रैलीज़ करती हैं, प्रमोशंस करती हैं, वो उनका राइट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर आपको कौन सी पार्टी समझ में आती है, पसंद आती है, आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, आप उसी को वोट दीजिए। किसी के कहने पर वोट दे के आएंगे फिर कोई गलत नेता आपके सामने आके खड़े हो जाएगा, फिर आप ही को परेशानी होती है, फिर आप ही सरकार को तरह तरह की बातें कहते हैं।
तो आई होप आपको आज की दौर में बातचीत पसंद आई होगी, और आने वाले चुनाव में हम सभी को बहुत ध्यान से वोट करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली दौर में बातचीत में। धन्यवाद।